आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आपका स्वागत है बाजारों की चाल में। बात करते हैं अब एग्री कॉमोडिटी की और इस पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। तो अनुज जी, बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी में कैस्टर सीड की। तो ये बता दें कि 7420 पर ये कारोबार करता हुआ दिखा है, तो आपको क्या लगता है कैस्टर सीड का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कैस्टर के अंदर हमने रिकवरी आते हुए देखी है और जिस तरीके से यहाँ पे भावों में ट्रेड हुआ है, हमें लगता है कि डिमांड की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर हमें लगता है खदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है, ऊपर में 7 या 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड कैस्टर में देखने को मिली है और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में तेजी रही है। इवन अगर हम मंडियों की बात करें तो वहाँ पर इसकी आवक कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि कैस्टर में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा और भाव ऊपर में करीबन 7 या 800 तक के लेवल को छू सकते हैं। अगर मसालों की बात करें अनुज जी, तो मसालों का जो बाजार है वो काफी आगे अच्छा देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है कि मसालों में आगे क्या कुछ करके चला जा सकता है, आगे क्या तेजी बनती इसमें और दिखेगी? देखिए, मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिला है, आज हमने अच्छी खासी मोमेंटम सभी मसालों में आता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि मसालों में अभी शॉर्ट टर्म में तेजी का रुख बना रहेगा। एक्सपेक्टेड है जीरा के भाव ऊपर में करीबन 2200 या 2300 को छू सकते हैं, समरिक में करीबन 8 या 300 तक के लेवल और कोरिएंडर में करीबन 12 या 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज के पर्टिकुलर डे के लिए हमें लगता है कि मसालों में खदारी का ट्रेड बना सकते हैं, इस हफ्ते एक तेजी का रुख बना रहेगा और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी, अगर बात करें ग्वार सीड और ग्वार गम की, तो ये इसका जुलाई वायदा जो है इसमें तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के बाजार में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, हमने कंटिन्यूसली गिरावट आती है जैसे की ग्वार सीड ग्वार गम के कॉन्ट्रैक्ट में, बट अभी रिकवरी यहाँ पर रही है, शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते भावों में तेजी का रुख बना है ग्वार सीड ग्वार गम और ग्वारेक्स में। हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इस पर्टिकुलर कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड रहेगा, इस हफ्ते के लिए हमें लगता है कि भावों में तेजी हो सकती है। तो ग्वार सीड ग्वार गम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चले, हमें लगता है ग्वार सीड में ऊपर में करीबन 5300 और ग्वार गम में करीबन 9900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वारेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और 6800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के चलते भावों में तेजी देखने को मिली है और हमें लगता है कि इसकी जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। जी, अगर हम बात करें खाद्य तेलों की, तो अनुज जी, खाद्य तेलों में पिछले हफ्ते भी गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी गिरावट ही इसमें देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों के बाजार में ये गिरावट आगे और बनी रहेगी या इसमें आगे कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, एडिबल ऑयल्स में खरीदारी का ट्रेंड हमने देखा है, आगे फेस्टिवल सीजन भी है तो खरीदारी का रुख रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए थे, मगर हमें लगता है कि जिस तरीके से भाव निचले स्तरों पर आए हैं, यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ही देखने को मिलेगा। तो खाद्य तेलों में हमारी सलाह खरीदारी की रहेगी, निचले स्तर आते हैं तो वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी अनुज जी, अगर बात करें कि इस साल किसानों ने खरीफ सीजन में औसत से अधिक बारिश की जो थी वो उम्मीद की थी, लेकिन अब जो फसलें हैं उन पे भी इससे प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो कपास और सोयाबीन की जो बुआई की तरफ किसान आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, दलहनों की जो तरफ ये छोड़ के ये आगे कपास और सोयाबीन पे ज्यादा मतलब कि आगे इसकी बुआई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कपास में आगे तेजी बनती दिखेगी? जी बिल्कुल, तेजी तो नहीं रहेगी क्योंकि जिस तरीके से हमने इस बार बुआई का देखा है और आंकड़े जो बुआई के आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ सकते हैं। एकरेज भी यहाँ पे जो एरिया है वो भी बढ़ सकता है क्योंकि भाव काफी बढ़ गए थे, तो सारे जो किसान हैं वो इस क्रॉप की तरफ डाइवर्सिफाई हुए हैं। हमें लगता नहीं है कि ज्यादा तेजी इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में आगे नरमी ही देखने को मिलेगी, जैसे जैसे आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो सोयाबीन और कपास के अंदर हमें लगता है कि उछाले पर बिकवाली करनी चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट गिरावट की तरफ देखने को मिल सकती है। जी, वहीं अगर चने की बात करें तो बता दें कि राजस्थान सरकार ने केंद्र से MSP पर चना खरीद के लिए एक महीने का और वक्त मांगा है, तो आपको क्या लगता है कि चने का बाजार आगे कैसा रह सकता है? देखिए, चने और दालों में हमने एक गिरावट आते हुए देखी है क्योंकि इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो जो अदर पल्सीज हैं उसमें अच्छी बुआई देखने को मिलेगी।
हालांकि अगर बारिश टाइम से रहती है तो जो सॉइल है वहाँ पर ऑयल का जो आपका पानी का कंटेंट है मॉइस्चर है वो काफी अच्छा रहेगा, जो कि आगे चने की फसल के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो हमें लगता है कि चने के और आगे सालों में हम अच्छी क्रॉप एक्सपेक्ट करेंगे तो भावों में आगे की नरमी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि पल्सिस के अंदर हम आगे नरमी ही देख रहे हैं, हमें लगता है कि भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर हम चीनी की बात करें शुगर की, तो शुगर के बाजार आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अच्छा मानसून की वजह से गन्ने की फसल अच्छी हो सकती है जी। और उससे जो शुगर की पैदावार है वो भी बढ़ेगी, शुगर जो है वो अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि शुगर के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा लगता है कि भावों में गिरावट देखने को मिलेगी, शुगर के भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी गन्ने की फसल होगी तो गन्ने की पराई भी अच्छी देखने को मिलेगी और शुगर जो है वो अच्छी क्वांटिटी में रहेगी, तो शुगर का जो उत्पादन है वो भी अच्छा हो सकता है। तो अगर हम भावों की बात करें तो शुगर में हमें तेजी लगती ही है, हमें लगता है शुगर आने वाले दिनों में नरमी के साथ ही ट्रेड हो सकता है। अगर ओवरऑल एग्री कॉमोडिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते किस एग्री कॉमोडिटी में कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए, इस हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि ग्वार के अंदर सदारे का ट्रेड बना के चल सकते हैं, ऊपर में 5,300-5,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में कॉटन के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, नीचे 39,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।